अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सोचा कि उन्हें आपसे शेयर भी कर दी जाए। सबसे पहले तो ये कि चैप्टर जो है हमारा दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा चीज़ें हम कुछ देख लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लूँ, कलर इसका हम ब्लू रख लेते हैं या ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। एलिफैटिक क्या होता है? स्ट्रेट चेंज वाले जो होते हैं वो एलिफैटिक होते हैं, ठीक है। जिसको इस वजह से जो ये वाला ग्रुप होता है इसको हम कार्बोडाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरोमेटिक होते हैं वो आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग जिनके अंदर होता है, ये रिंग को इंडिकेट करता है, जिनके अंदर रिंग होता है वो आपके पास जो है एरोमेटिक होते हैं, लाइक बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा जो है इथैलिक एसिड भी आपके पास गिवन है। जनरल फार्मूले की अगर बात करें दैट इज CnH2nO2, और इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये पेपर में आता रहता है, यानी आपसे पूछा जाएगा इथैलिक एसिड का फार्मूला कौन सा है। तो दो बेंजीन ग्रुप लगे हों, एक और मतलब वन पे और एक टू पे जो है लगे हों, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बो या डाई बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, जबकि अगर दो इस तरह मतलब कार्बन इकट्ठे मिल जाए दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ना अगर अल्केन का आप ई निकाल के ओ एक ऐड कर दो तो अल्कनोइक एसिड जो है अब इसका ये नेम बन जाता है। उसके बाद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें हमारे पास पहले फॉर्मिक एसिड जिसका सिंपल नाम है, ये इसका आयोपिक नेम है, ठीक है, ये वाला, और ये जो है इसका जो है आप ये कह सकते हैं कॉमन नेम है या सिंपल नेम है, ठीक है, वन कार्बन होता है। उसके बाद एसिटिक एसिड यानी टू कार्बन होते हैं, एथनोइक एसिड भी कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, एक प्रोपन ये प्रोपियोनिक एसिड, जबकि प्रोपेनोइक एसिड है 3C, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड चार कार्बन, तो ब्यूटेनिक एसिड बटर से आता है। वैलेरिक एसिड, अब ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देखिए सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला बताएं, तो दैट इज पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। कैप्रिक एसिड हेक्सानोइक एसिड, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये ना कैसे आप याद रख सकते हैं, तो इसका मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। कैप्रिक एसिड का देखें CA है, तो CA का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इस वजह से जो ये कंपाउंड है 6 है, ठीक है। तो इस तरह आप इसका याद कर लें। पामेटिक एसिड दैट इज 15, जबकि स्टेरिक एसिड दैट इज 17, और इसके अलावा ऑयलिक एसिड दैट इज ऑल्सो 17, बट इसके 35 कार्बन है, इसके 33 कार्बन है आपके पास, और इसके 31 कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन तीनों के सेम है, ठीक है। लिनियोलिक एसिड, तो ये जो आपने साथ साथ याद रखना है, और बेंजोइक एसिड साथ भी गिवन है, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो अगर दो इकट्ठे आ जाएं तो उसका, क्योंकि दो कार्बन हो गए ना, एथोन डाइक एसिड कहते हैं, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि दो कार्बन है, तो उस वजह से इसका जो एक मतलब आप ये कह सकते हैं जनरल नाम है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तीन कार्बन आ गए दैट इज यू कैन से दैट प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन डाइक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि तीन कार्बन है, इसलिए इसको हम मेलानोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। और छः वाले को ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, यानी छः कार्बन इसमें और दो है जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा छह कार्बन हो और जो है सॉरी पांच हो तो ग्लूटामिक एसिड, और छह हो तो हेक्सेन डायोक एसिड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, एक पूरी सीक्वेंस दी हुई, यहाँ पे 4 मिसिंग है बस, यानी ब्यूटेन डायोक एसिड के बारे में नहीं बताया हुआ, बाकी सारे बताए हुए। उसके बाद सक्सेनिक एसिड दैट इज 1,4 ब्यूटेन डायोक एसिड, यानी ये अब यहाँ पे ये आ गया सक्सेनिक एसिड, इसको कहते हैं जो कि ऊपर देना चाहिए था सीक्वेंस से, ठीक है। चले उसके बाद ना मैलिक एसिड का जो सिस फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिस फॉर्म है मैलिक एसिड का, ठीक है, और ये जो है ट्रांस फॉर्म है फॉर्मेरिक एसिड का। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, चलें उसके बाद टार्टारिक एसिड क्या है कि 2,3 डायहाइड्रोक्सीब्यूटेन डायोक एसिड, ये एमसीक्यूज में आता रहता है, ठीक है, तो आपने इसका जो है नाम वो याद रख लें। उसके बाद ये आपके पास दैट इज ब्यूटेन पैथेलिक एसिड, जिसको 1,2 बेंजीन डायकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपके पास तीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हों तो उसको हम सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, जिसके 1,3,5 पेंटिन ट्रायोइक एसिड, जबकि 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। अब एक एमसीक्यूज है आइसोबिटायरिक एसिड को कैसे लिखा जा सकता है, तो आइसोबिटायरिक कैसे कि भाई चार कार्बन बनाओ, सॉरी तीन कार्बन बनाओ इस तरह, उनके बीच में एक कार्बन ऐसे अटैच कर दो, ठीक है, ऐसे अटैच कर दो, तो ये इसके साथ बाकी आप वो जो है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच कर दो, तो वो कैसे बनेगा, तो उसको हम कह सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, यानी ये वाला ग्रुप मिथाइल हो जाएगा, बाकी तीन कार्बन जो है वो आ जाएंगे, तो इस वजह से इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने करके लिखा हुआ है कि तीन कार्बन और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने मीथेन लगा दिया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, कोई इनका कलर नहीं होता। C1 से C3 पंजेंट स्मेल के होते हैं, जबकि इसके अलावा बाकी अनप्लेजेंट स्मेल के होते हैं। जो ये वाला ग्रुप है ना मेनली ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या चेंज होती हैं, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, ईथर सॉल्युबल हो जाता है, अल्कोहल सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, जब कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक डिमर्स,
तो ये डिमर्स बना लेते हैं, यानी ये आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड ये है आपके पास, एक ये है जबकि दूसरा ये है, ठीक है। ये दो जब मिल के इकट्ठे होकर ना डिमर्स बना लेते हैं, और डिमर्स किसकी वजह से बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिमर बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे एरर, एक छोटा सा यहाँ पर वो है कि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड का इवन नंबर है उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा ऑड नंबर वालों से, ठीक है। तो ये नोटिंग पॉइंट है। अब जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे ये 4C है, तो 4C का चाहे वो 3C हो या 5C हो, दोनों से उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में जितना वो ज्यादा होता है, तो -6 जो है मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड की बात करें तो ये वाटर अल्कोहल इथर सब में जो है सॉल्युबल है, ठीक है, यानी क्योंकि एसिड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सॉल्युबल होगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस वजह से इसके आप बॉइलिंग पॉइंट याद रखें 118, मेल्टिंग पॉइंट 17 सेंटीग्रेड, जिसको हम ग्लैसिड एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और 5-8% जो है डायलूट सोल्यूशन विनेगर, यानी अगर 5-8% डायलूट सोल्यूशन, यानी आप ये कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड में आप थोड़ा बहुत पानी मिला दें और फिर उसको यूज करें, तो वो आपके पास मतलब एसिटिक एसिड नहीं होगा, वो आपके पास विनेगर बन जाता है, ठीक है। ये आपने याद, तो ये जो आपने इसको इस तरह क्लियर करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसके कुछ 5 स्टेप्स हैं। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसका मैकेनिज्म बनाते कैसे हैं, यानी आपने अल्कोहल यूज़ किया कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ किया, तो वो है K2Cr2O7 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज H2SO4। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम आपके आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि मीडियम एसिडिक था बेसिक था, और आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हमेशा रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी आपने एल्डिहाइड से जो है वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये किस कैसे होता है, ये स्पेशली जो है ज़्यादा एसिडिक मीडियम में होता है, लेकिन बेसिक में भी होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ज़्यादा होता है। तो आपने बस याद रखना कि इसमें एसिडिक मीडियम में हो रहा है, HCl में, यानी आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड जब करेंगे तो ये जो क्योंकि ये जो न्यूट्राइल है ना, ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्स एक चीज़ है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनी हुई है, जब आप उसको तोड़ोगे तो डेफिनेटली दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है कि इसका ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और CH2 हो जाता है और NH2 हो जाता है, ठीक है। फिर दोबारा एक स्टेप होता है और ये जो दोबारा दोनों अलग हो जाते हैं, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, क्लियर है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये है कि आपने मतलब इथाइल को यूज़ करना है, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज़ करना है, और उसके बाद रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्किन्स विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके बाद आपने याद रखना है कि KMnO4 हमने यूज़ किया, ठीक है, रिएक्शन किया अल्किन्स का जो ये बॉन्ड टूटा तो उसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अभी तक हमने कितने प्रोसेस किए, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, न्यूट्रल से। आप इसके मजीद भी कर सकते हैं, जो इसके चैप्टर नंबर 10 में जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें आगे डेरिवेटिव्स दिए हुए, आप उनमें से कोई भी डेरिवेटिव पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, K2Cr2O7 करेंगे, H2SO4 यूज करेंगे, तो ये आप अभी MCQs आता है। MCQs कैसे आता है कि आप किस अल्काइल बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन करते हैं और आपके पास बेंजोइक एसिड आता है, तो वो हमारे पास होता है टोलुइन, ठीक है, टोलुइन जिसको कहते हैं। तो ये आपके पास इसको आपने याद रखना है, तो टोलुइन जो हम यूज़ करते हैं उससे जो हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजोइक एसिड में। उसके बाद एमसीक्यूज है कि इथाइल साइनाइड, ठीक है, इथाइल साइनाइड है बॉयल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव, तो यानी आपने अभी पढ़ के आए थे कि न्यूट्राइल का जो है वो हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या आपके पास देगा, आपको पता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब इथाइल है तो वो डेफिनेटली प्रोपेनोइक एसिड देगा आपको, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दो रिएक्टिविटी तीन चीज़ों की वजह से होती है, एच की वजह से होती है, OH की वजह से होती है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है। एच की वजह से कौन कौन सी होती है कि भाई ये साल्ट बना लेता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, आगे देखते हैं शो करता है नहीं, मैं आपको ये बताता जाऊंगा, आप देखते जाएं, ठीक है। तो यानी ये जो एच वाले हैं ना, जो एच इन्वॉल्व करते हैं, जिस तरह साल्ट फॉर्मेशन हो गया, ये साल्ट बना रहा है, उसके अलावा ये भी साल्ट बना रहा है आपके पास, ये भी साल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो OH ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो यानी देखा कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक थे, अब न्यूक्लियोफिलिक भी आ गए, जिसमें हमारे पास पहला एस्टेरिफिकेशन है। अब इससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि भाई जो एस्टेरिफिकेशन में हाइड्रोजन आता है वो कौन देता है, तो वो आपके पास अल्कोहल देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OH ग्रुप देता है, ठीक है।
ये आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, तो एच ग्रुप जो है दैट इज गिवन बाय अल्कोहल नॉट बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन वैसे कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ना ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कुछ फ्लेवर्स हैं कि अमाइल एसिटेट में कौन सा फ्लेवर का फ्लेवर जो है बनाना में आता है, जबकि बेंजाइल एसिटेट का जैस्मीन में, अमाइल ब्यूटाइरेट का एप्रिकोट में, आइसोब्यूटाइल फॉर्मलेट का रास्पबेरी में, एंड इथाइल ब्यूटाइरेट का पाइनएप्पल में, जबकि ऑक्टाइल एसिटेट का ऑरेंज में। अब इसके वाले से हम एक्सक्यूज कैसे आ सकते हैं कि भाई मुझे ये बताओ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद व्हिच टू गिव अ प्रोडक्ट हैविंग पाइनएप्पल फ्लेवर, यानी नीचे वाले किससे ये जो रिएक्ट करेगा पाइनएप्पल फ्लेवर देने के लिए, दैट इज बाय ब्यूटाइरिक एसिड, इसे रिएक्ट करेगा और आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन कौन से चल रहे हैं, डेफिनेटली रिएक्शन जो चल रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि जो है अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करना है, तो उसके लिए पीसीएल 5 यूज कर सकते हो, पीसीएल 3 यूज कर सकते हो, एसओसीएल 2 यूज कर सकते हो, ठीक है, और ये आप सारे यूज करेंगे। उसके बाद अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन के लिए दो स्टेप होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक तो अमोनिया का रिएक्शन करवा के आप सिंपल एक वो क्रिएट कर देंगे, दोबारा इसको हीट करते हैं, ये खुद से नहीं होता, हीट करना पड़ता है, जिसके बाद हमें एसिड अमाइड जो है वो मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि आपसे पूछा जाएगा क्या इस कौन सा कंपाउंड जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता, तो एसिड अमाइड जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता क्योंकि उससे हमें हीट करना पड़ता है। उसके बाद रिएक्टिविटी इनमें जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि NaKLDHyde या ketones को दोबारा, यानी आप ये कह लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं। देखिए हमने क्या किया था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा पीछे लेके चलते हैं। तो पीछे लेके जाने के लिए क्या करना था, ये हमने ऑक्सीडेशन की थी, तो ये डेफिनेटली ये रिडक्शन होगा, और किसके फॉर्म में होता है, किसको यूज करके होता है, तो NaBH4 उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस केस में कार्बोनाइल के केस में, लेकिन वो भी यूज हो सकता है, लेकिन फिर हम जो हाई जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको यूज करते हैं, ये क्या करता है चार हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है OH खत्म हो जाता है, ये CH2 हो जाता है, और बाकी जो है वो ये एक H उधर चला जाता है, दो H उधर चले जाते हैं, तो वो H2 होकर निकल जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास जो कंपाउंड नहीं बनता है दैट इज अल्कोहल। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, सॉरी रिडक्शन से आपके पास क्या बनता है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जो है हमारे पास वो जाके एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ये है कि आप हाइड्रोजन ऐड कर दें, ठीक है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, छह हाइड्रोजन HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो मीथेन बन जाएगा, सॉरी इथेन बन जाएगा, जबकि वाटर और साथ में आयोडाइड वो अलहदा हो जाएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का अटैच, डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल, तो इसमें ये है कि आप भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें से निकाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये हम यूज़ क्या करें कि, तो याद आपने करना है आप यूज़ इसमें क्या करें, तो आप इसमें सोडियम एसीटेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट यूज़ करें, NaOH जब यूज़ करेंगे सोडा लाइम बन जाता है, NaCO और NaOH का जो कट्टा सोल्यूशन है सोडा लाइम बन जाता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो CH4 है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसको CH4 कर देगा CH3 को, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा लहदा से, और ये कट्टे होकर तो CNO2CO3 जो है वो बन जाएंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो इनके जो अब रिएक्शन आते हैं, एसिड क्लोराइड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर। अब देखें हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हो, चाहे वो एसिड क्लोराइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, ईस्टर हो, कोई भी हो, उसको जब भी आप वाटर ऐड करेंगे तो हमेशा जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो सिंपल सी बात है कि भाई इसका पार्ट ये वाला यूज होना है, उसका ये वो वाला यूज होगा, तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। दोनों का आप ये कर लो यूज, मतलब इसमें से H निकाल दो, इसमें Cl निकाल दो, HCl निकल गया, बाकी सारा का सारा जो है वो दोबारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन विद अल्कोहल, अब देखें अल्कोहल में क्या है, आपने हमेशा याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से जो है आपने इनमें से जो चीज़ें निकल सकती है ना इजीली वो निकाल देनी। देखें अब इसमें से क्लोरीन इजीली निकल सकता है, इसमें से H, तो आप ये निकाल दो, बाकी अटैच कर दो, ईस्टर बन जाएगा। इसी तरह अमोनिया से रिएक्शन करवा दो, इससे जो है अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो Cl निकल सकता है, जबकि इससे NH निकल सकता है, तो NH4Cl जो है ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, तो ये रिएक्शन थोड़ा हम नीचे करके देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमेशा आपको पता, मैंने आपको बताया कि कोई भी डेरिवेटिव हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हमेशा हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स, यानी अब ये कि ईस्टर्स के रिएक्शन आगे, या आपके पास स्टेरिक कंपाउंड है, आप जब भी इसकी वो करोगे हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हमेशा आपको एसिड देगा और अल्कोहल देगा। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ है कि अल्कोहल भी देगा साथ में, ठीक है, एसिड तो वैसे ही देता है, अल्कोहल भी देगा साथ में। उसके बाद हाइड्रोलिसिस,
देखिए वो एसिडिक मीडियम में था, अब ये हमने बेसिक मीडियम में किया, जब एसिडिक मीडियम में किया तो हमारे पास जो है वो आज एसिड बन गया, लेकिन जब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास स्पोन बन गया, सोप बन गया, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन, ठीक है, स्पोनिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमाइड हाइड्रोलिसिस, जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड बेस हाइड्रोलिसिस कोई भी हो, ये डेफिनेटली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। और न्यूट्राइल के करेंगे वो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा, अब एसिड हैलाइड क्या है हमारे पास, आर सी, ठीक है, उसके बाद सी एल, ये एसिड हैलाइड है। उसके बाद एनहाइड्राइड के आपने आर सी एल ओ, ओ और आर सी एल वो दोनों अटैच, बीच में दो ओ लगाने में, चले आपको यहाँ पे ऊपर करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेयर इज द यू कैन सी दैट, ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एसिड एनहाइड्राइड है, कि ये कंपाउंड एक पूरा, एक हाइड्रोजन इधर से निकाला हुआ है, एक हाइड्रोजन जो है आपने ये, आप ये कह लें कि ये एक, ये एक हाइड्रोजन ये, और एक इधर से जो है आपके पास ये बाकी कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो यानी सबसे पहला जो है एसिड एनहाइड्राइड, यानी जिसमें क्लोराइड लगा हुआ है, फिर आपके पास सिंपल एनहाइड्राइड, और फिर ईस्टर, और फिर एसिड अमाइड जो है वो, एसिड अमाइड सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, एसिड हैलाइड, ये इसका क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको याद रखना है कि जितना हम नीचे जाते जाएंगे एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है, सॉरी बिल्कुल कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा जो है फॉर्मिक एसिड है, फिर एसिटिक एसिड है, फिर एथेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड है, और फिर जो है ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या कौन सा, दैट इज फॉर्मिक एसिड। उसके बाद HCl, और देखिए जब भी आपको पता है कोई भी एसिड हो, हाँ जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो वाटर में जब उसको डिसोसिएट करते हैं, आयंस में बन जाता है, और वो आयंस उसके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी तरह ये वाला केस जो है यहाँ इनके साथ रिपीट करें, यानी ये जो आपके कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड वगैरह के साथ, यानी इसके साथ, तो ये जब करते हैं तो हमारे पास आयंस बन जाता है, और ये भी हमारे पास स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमारे पास आप कह सकते हैं नेगेटिव आयन बन जाता है और एक पॉजिटिव बन जाता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है नेगेटिव वाला। तो ये वैसे भी आपको याद रखना है सिंपल। अब ये यहाँ पे याद रखना है कि जितना भी हम ना किसी के साथ आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऐड करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऐड करते हैं स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि आपके पास एक कंपाउंड है, अब हम ये ले लेते हैं, देखो एक ये कंपाउंड है, एक मैं बना लेता हूँ कि मैं ना सी एच थ्री, ठीक है, सी ओ, और आगे मैं दोबारा यूज़ कर लेता हूँ सी एच ओ एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सी एच थ्री लगाया हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग है तो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है, इसलिए एसिटिक एसिड कम होता है। अब देखें ये क्यों आता है एच सी, अब ये जो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इस वजह से स्टेबल है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके वजह से जो है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो तो जितना बेस्ट हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक है आपके पास क्लोरोएथेनोइक एसिड, जबकि दूसरा है फ्लोरोएथेनोइक एसिड, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लोरोएसिडिक होगा, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं मोर, ये जरा यहाँ पे देख लेते हैं, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें क्लोरीन वाला ये सिंपल वाले से ज्यादा है, इसी तरह फ्लोरीन वाला वो भी सिंपल वाले से ज्यादा है, जबकि पी के 4.7 है, जबकि जो अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो वो हमारे पास पी के 5, यानी आपने यहाँ पे एफ लगा दिया या सी एल लगा दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ बन गई। अब देखें यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा है जबकि क्लोरीन का कम है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन का फिर उससे कम, ब्रोमीन का फिर उससे कम, और आयोडीन का सबसे कम, यानी जिसके साथ आयोडीन लगा होगा, ये ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद NO2, अगर हम ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये हम अटैच कर दें, फिर हमारे पास NO2 सबसे ज्यादा वो होगा, ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, क्योंकि मैंने आपको अल्काइल ऐड का बताया, अल्काइल ऐड में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। लेकिन अगर NO2 ग्रुप आ जाए तो वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर क्लोरीन, दो क्लोरीन आ जाए, देखें डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड, तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है एक क्लोरीन से, ठीक है, डेफिनेटली एक आपको पता ही है, अगर एक मतलब स्टेप से उसकी बढ़ जाती है तो अगर वही स्टेप डबल कर दें तो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड, तो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड का भी ज़्यादा होगा, वो उसका डाई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा ये है ना कि जितना जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है क्लोरीन ग्रुप लगा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ये भी एक पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिटिक एसिड नो, प्रोपेनिक एसिड नो, ब्रोमोएसिटिक एसिड नो,
देखिए हाँ बन सकता है, अगर ये चौथा ऑप्शन ना होता तो बेस्ट ऑप्शन सी था, लेकिन क्योंकि चौथा ऑप्शन है, दो इसमें दूसरे नंबर पे क्लोरोएसिटिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास, वैसे भी अगर देखा जाए तो सीक्वेंस क्या है, एफ सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर देखें यहाँ पे एक भी क्लोरीन होता, अगर ये क्लोरीन दूसरे में ना भी लगा होता, सिंपल लगा होता, तब भी हमारे पास एसिटिक एसिड, जो क्लोरो एसिटिक एसिड है ना, ये ज़्यादा बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो देखा जाए अगर इनमें से देखा जाए ना, तो HCl एक मिनरलिक एसिड है जिसकी वजह से जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, ये अपने ट्रेंड जो है इसका याद रखना है, इसको बना सकते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास इवन नंबर का ज्यादा है ऑड नंबर से, ठीक है, तो जो ऑड नंबर ये है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन -6 होता है, जबकि इसका -20, इसका -22 है, इसका कोई -18 है या समथिंग लाया जाए, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखें डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो बॉन्ड है ना ये वाला, ये मूव करता रहा, जिसकी वजह से जो है ये हाईली स्टेबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस, तो आपको याद रखना है कि एसिड क्लोराइड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेरिफिकेशन इज अ रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, वैसे ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। आगे उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो चले मैक्रोमोलिक्यूल भी कभी कवर कर लेते हैं। जायंट मोलिक्यूल विच इज ऑफन अ पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, पॉली मीन मैनी, और जबकि मर का मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है, इसमें मोनो वन एंड यूनिट वन मैनी, तो जायंट मोलिक्यूल विच इज ऑफन अ पॉलीमर, तो जायंट मोलिक्यूल जितने भी होते हैं हमारे पास मैक्रो मोलिक्यूल में आते हैं, इस तरह प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ग्रीक वर्ड प्रोटोन से निकला, इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड जो है वो 20 से 22 अमाइनो एसिड जो है मैंने अभी तक डिराइव कर चुके हैं, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट है, यानी 20 इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं, 10 हमारी बॉडी बनाती है, 10 नहीं बनाती। ये जो आर ग्रुप है ना, बस ये चेंज होता रहता है, बाकी सब सेम रहेगा, बस आर ग्रुप में चेंज आता रहेगा, तो आपके पास जो है वो 20-22 चेंज होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे पास रिएक्शन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो एक में से OH जबकि दूसरे में से H निकल के जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और बाकी ये वाला रिएक्शन हमारे पास बन जाता है, ये वाला जो है वो लिंकेज बन जाता है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग जो है डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड और ड्राइव, तो सिंपल में हमारे पास गिव्स ऑन अमाइनो एसिड, जबकि अमाइनो एसिड एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एज वेल, मतलब को फैक्टर भी देते हैं साथ साथ, ठीक है। अमाइनो एसिड सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन्स, एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्लोबुलिंस हैं, एल्ब्यूमिन हैं, कोलेजन है, जबकि इसमें लिपोप्रोटीन है, फॉस्फो प्रोटीन है, जबकि इसमें पेप्टॉन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीओसेस, ठीक है। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेट्स होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगी, तो इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, इसमें बॉन्ड होता है कोवलेंट, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, बॉन्ड कोवलेंट होगा। सेकेंडरी आपके पास जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, या अल्फा हेलिक्स, जबकि ये बीटा प्लेटेड शीट होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन कौन से दो बॉन्ड प्रेजेंट है, दो पूछे, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, क्योंकि देखें ये जो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है वो प्राइमरी से ही बना है ना, तो प्राइमरी में कोवलेंट बॉन्ड था, तो डेफिनेटली वो इसमें भी होगा। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर ट्विस्टिंग हो जाती है अल्फा हेलिक्स की, जो अल्फा हेलिक्स शीट होता है ना, ये वाला जो होता है, इसकी ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है, अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से जो है हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है और ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम ये आपने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ प्रोटीन क्रिएशन इन फोर्थ फेज, ठीक है, ज़्यादा जो है वो इसी फेज में होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साल्ट ब्रिजेस होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो बॉडी का प्रोटोप्लाज्म होता है, जो सेल का वो बनाता है। उसके बाद लिक्विड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूज होते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। उसके बाद ग्लैटिन, जो कि बोन्स को हीट करते हैं ना, अगर आप किसी मतलब हड्डी पे गोश्त लगा उसको हीट करें तो उससे जो गोश्त सेपरेट होगा उसको ना बैक की आइटम में यूज किया जाता है, उसको ग्लैटिन कहते हैं। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन में यूज होता है, ठीक है, हॉर्मोन्स रेगुलेटरी फंक्शन में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इसका, कैजिन बटन वगैरह बकल्स, ये आप सारी चीजें जो मतलब आप यूज करते हैं इससे बनती है, सोयाबीन्स वगैरह ये भी हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का टूट जाना, किससे टूटेगा, ज्यादा हीट से, ठीक है। एल्ब्यूमिन ऑफ एग वाइट जो है वो एल्ब्यूमिन का बना होता है, वो टूट जाता है, जब वो टूट जाता है तो आपको पता है आप जो प्रोटीन है अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है। अब अच्छा एक एमसीक्यूज है कि हीट है आपके पास, पीएच है और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है, तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पीएच का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कंडीशंस भी होती हैं। एंजाइम जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज यू कैन कॉल एज यू कैन सी एंजाइम मीन इन और जाइम मीन यीस्ट, यानी यीस्ट के अंदर
ये बैकवर्ड लिस्ट एक्टिविटी होती है, बैकवर्ड लिस्ट कहते हैं, एक्टिविशन जिसको कम कर देता है, एमसीक्यू जाता है बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिक इन एक्शन होता है यानी जिसके लिए बना होगा उसी के लिए यूज होता है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, करता क्या है भाई, सबसे पहले इसको अटैच करेगा, इस कॉम्प्लेक्स की कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर उसको कहेगा भाई भाग जा, मैंने तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लॉक एंड कीबोर्ड ऑफ एंजाइम एक्शन, ईमेल फिशर ने दिया था जो कि बाद में फेल हो गया। ठीक है, एक्टिव साइट जो है उसने कहा था रेडी स्ट्रक्चर है, इसने दिया था 1894 में। ठीक है, उसके बाद दोबारा इंड्यूस फिटन मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन दिया था कॉस्टलैंड ने, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसने कहा थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, और ये इसने दिया था 1958 आई थिंक या 1959 है, तो एक डेटा इसको दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद फैक्टर क्या है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया रेट बढ़ता क्या बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, दैट इज 37। प्लांट एंजाइम जो है वो 60 तक जो है यूरियाज जो है वो 60 सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर लेता है। इसी तरह पीएच बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा, ठीक है बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, जब लिमिट क्रॉस होगी बस खत्म, फिर दोबारा जो है वो अपना रिएक्शन स्टॉप कर देगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसमें ये है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ कुछ हद तक बढ़ते जाएंगे जब तक एंजाइम अवेलेबल है। जब एंजाइम खत्म होगी, देखिए एंजाइम दो थे या एंजाइम पाँच थे, आपके पास सबस्ट्रेट पहले दो थे, आपने तीन किए, चार किए, पाँच किए, जब पाँच से ज़्यादा हो गए, छः हो गए, अब वो मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो छठा जो पड़ा रहेगा उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इनिबिशन क्या करता है कि भाई एंजाइम को रोक दो। ठीक है, यानी मैं ये है कि एंजाइम को खुद उसका बंदा रोक दे, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इरिवर्सिबल ये होता है कि बिल्कुल स्टॉप कर देता है, यानी उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, और जो रिवर्सिबल है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा बल्कि उसको टेम्प्रेरी ब्लॉक करेगा, बाद में दोबारा छोड़ देगा। तो वो उसके दो टाइप्स आते हैं, कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव ये होता है कि जहाँ पे एक्टिव साइट है, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव साइट है कि एंजाइम का ये वाला, तो यहाँ पे इनहिबिटर और यहाँ पे सब्सट्रेट दोनों कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो वो जो है उनमें से कहता है कि भाई मैंने अटैच होना, दूसरा कहता है मैंने अटैच होना। तो अगर हम यहाँ पे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो जो है इनहिबिटर बेचारा वो रुक जाता है, लेकिन नॉन कम्पिटेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉन कम्पिटेटिव में एक और जगह होती है जिसको एक्टिव जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहाँ पे आके अटैच होके वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल उसको जो उसके शेप को चेंज कर देता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज़ करता है स्टार्च प्रोटीन वगैरह के लिए, पेपर इंडस्ट्री में बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में, स्टार्च इंडस्ट्री में, और उसके अलावा बायोफ्यूल इंडस्ट्री वगैरह में आप इसको यूज़ करते हैं, रबर इंडस्ट्री हो गया, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। ठीक है, और इसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, लाइक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, आरएनए, डीएनए, पॉलीमरेज, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंसेज। मेन एंजाइम कंटेन प्रोटीनियस पार्ट दैट इज नोन एज एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। द फॉर्मिंग ऑफ हाइड्स इज दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।